नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के, सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ देश पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का अखंड भारत की जय। गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर। इस कोटपुतली क्षेत्र में 12वीं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस विद्यालय ने किया है, उस विद्यालय के माननीय निदेशक महोदय जी, उनके परिवार के सभी आत्मीयजन जो यहाँ पर हैं, हमारे गणेश जी आदि सभी जो बहुत ही श्रद्धा निष्ठा और कर्तव्यता के साथ में इस काम में लगे हुए हैं, और इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक गण हैं, शिक्षिकाएं हैं, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करके और आज वो ऐसे गौरवान्वित हो रही हैं, जैसे सभी शिक्षिकाएं और शिक्षक ने देख रहा था कि बच्चों को इनाम मिल रहा था, लेकिन वो गुरुजन ऐसे सोच रहे थे कि इनाम जो है ये बच्चों के साथ साथ हमें मिल रहा है, उनकी तपस्या को प्रणाम करता है, उनकी मेहनत को प्रणाम करता है। और यहाँ पर जितने भी अभिभावक बैठे हैं, वास्तव में आप सबने भी इस विद्यालय के साथ साथ आपने भी जो है कदम से कदम मिला करके और इन बच्चों के साथ में मेहनत करी है, और आज वो उस मेहनत का फल मिला है। आप सबका भी सीना चौड़ा हो रहा है, आपके बच्चों ने नाम कमाया है तो आपने अपना ही नाम कमाया ऐसा लग रहा है। आप सबकी भी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, आप लोगों को देख करके तो ऐसा लगता है इन्हें अपना जो है वो अतीत का समय, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, और वो समय याद आ जाता है जब बच्चों को देखता हूँ। और वास्तव में मैं इस विद्यालय में आया और जैसे मैं घुसा, मैं देखा बच्चे बड़े उत्साहित, उत्साह संपन्न। और जिस जब बालक उत्साही होता है तो वास्तव में वो ये बताता है कि मेरा निर्माण, मेरा सृजन बहुत अच्छी प्रकार से हो रहा है। जो माली मुझे सीख रहे हैं, मेरा निर्माण कर रहे हैं, वो माली के हाथ बहुत योग्य हैं। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में उन बच्चों का निर्माण हो रहा है, वो वातावरण बहुत श्रेष्ठ है। आपके उस उत्साह को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।
मैंने भैया आप लोगों ने बहुत फोटो खींची है, बहुत सब लोगों को जो है तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। अब थोड़ा सा क्योंकि बच्चे के पीछे दिखाई भी दे रहे हैं और जब तक बच्चे नहीं दिखाई दे रहे तब तक पूरा आनंद नहीं आता है। आज इस विशेष कार्यक्रम पर मैं आया हूँ और कुछ विशेष बातें बता करके जाऊंगा।